हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका अपने चैनल फूड इन चार्ज में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ ईद स्पेशल बिरयानी की रेसिपी। चिकन बिरयानी आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो भी हम इसे तैयार करेंगे सिर्फ 5 मिनट्स में। बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा चिकन, तो आधा किलो मैंने चिकन ले लिया है और इसे मैंने धोकर अच्छी तरह से साफ कर लिया है। 1.5 चम्मच अब हम इसमें डाल देंगे धनिया का पाउडर, 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे सौंफ। तो सौंफ को आप थोड़ा दरदरा कूट लें, उसके बाद ही डालें, और सौंफ आप ज़रूर से बिरयानी में डालें फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा जायका इसमें देता है बिरयानी का। और साथ ही में हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, नमक डाल देंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग, और साथ ही अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। 1 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट। अगर आपको लहसुन का फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप लहसुन का पेस्ट बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 1 चम्मच ही ऐड कर रही हूँ लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें डाल देते हैं 1/2 चम्मच जीरे का पाउडर। 1 चम्मच के करीब मैं इसमें नींबू का रस डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे ये 1/2 नींबू को मैंने निचोड़ कर ले लिया है, तो ये 1 चम्मच हुई है फ्रेंड्स, तो ये मैं डाल दूँगी। और अब हम इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, तो यहाँ पर ये भी मैं 1 चम्मच के करीब ले रही हूँ। तो 1/2 चम्मच मैंने 2 बार ली है। अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। तो इसे पहले मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ पुदीना के पाउडर। पुदीना के पाउडर अगर आपके पास ना हो फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे फ्रेश पुदीना अगर हो तो वो भी डाल सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब हमने चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। इधर हम ले लेते हैं चावल। तो यहाँ पे मैंने लॉन्ग राइस लिए हैं बिरयानी वाले, तो ये मैंने 1/2 kg चावल लिया है। इसे हम धोकर इसे साइड में रख देंगे। और इधर हमने गैस के ऊपर चढ़ा दी है कुकर, इसमें मैं डालूँगी 1 कप तेल। और ये मैंने 1 बड़े प्याज को बारीक चॉप करके ले लिया है, इसे हम फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमारा काफ़ी गर्म है, तो हमें बहुत ही गर्म तेल में ही प्याज को डालना है, ताकि हमारे प्याज जो भुनाए जल्दी से और ये काफ़ी कुरकुरे क्रिस्पी से हमारे प्याज भुनकर रेडी होंगे। अगर आप ठंडे तेल में प्याज डालेंगे तो हमारे प्याज जो हैं वो मुलायम पड़ जाते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप ध्यान दें कि तेल का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई रखें। तो हमें इसे देखिए इतना ही भूनना है, बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है, बस थोड़ी सी बादामी से कलर हमारे प्याज के आ जाने चाहिए, इतना ही हमें इसे भूनना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारी प्याज भून चुकी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2 प्याज को मैंने निकाल लिया है और 1/2 को मैंने कुकर में ही रहने दिया है। इसमें हम डाल देंगे खड़े गर्म मसाले, साथ ही में हमने डाल दिए हैं 2 हरी मिर्च। और अब हमने जो मैरिनेट करके रखे थे चिकन को, उस चिकन को हम इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह भून लेंगे, ताकि हमारी चिकन जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने पानी नहीं डाला है, चिकन ने खुद का पानी छोड़ दिया है। या 1 कप मैं यहाँ पे दही डाल दे रही हूँ, क्योंकि हमें बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर चाहिए अपनी बिरयानी का। दही डालने के बाद हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक इसी तरह से भूनेंगे, ताकि हमारी चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और ये देखिए अब जो है चिकन हमारी भुना रही है, तो इसमें से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है, बहुत ही अच्छा अरोमा आ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने इसमें पुदीना का इस्तेमाल किया है और सौंफ का इस्तेमाल किया है फ्रेंड्स। ये बहुत ही जायकेदार हमारी बिरयानी बनकर रेडी होती है। चिकन हमारी भुना चुकी है, तो यहाँ पे आप नमक टेस्ट कर लें, अगर कम ज़्यादा लगे तो आप यहीं पर नमक डाल दें फ्रेंड्स। अब हम इसमें 2.5 कप पानी डाल देंगे, और इसमें हम डाल दे रहे हैं 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाले का पाउडर। 2.5 कप पानी हमने इसमें ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पे हमने 1/2 किलो चावल 2 कप चावल लिया है, तो हमने 2.5 कप पानी डालना है। इस बात का आप ध्यान दें तो आपके जो बिरयानी के दाने बनेंगे वो बिल्कुल फ्रेश खिले खिले से बनकर रेडी होंगे। ये जो बिरयानी मैं 5 मिनट में तैयार कर रही हूँ फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर से बनाएं एक बार मेरे कहने पे। बहुत ही जायकेदार, बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनकर रेडी होते हैं। तो यहाँ पे मैं अब कुकर की लीड को लगा दूंगी और इसे 1 सीटी होने तक पकाएंगे हम। 1 सीटी होने के बाद आप गैस के फ्लेम को स्लो करके थोड़ी देर छोड़ दें, उसके बाद आप इसे खोलें। तो ये देखिए हमारी गर्मा गर्म बिरयानी बहुत ही डिलीशियस रेडी हो चुकी है। मैं आपको इसे सर्व करके दिखला रही हूँ। अभी ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, थोड़ी ठंडी होने के बाद इसके दाने जो हैं वो और भी ज़्यादा खिल जाते हैं,
और बहुत ही अच्छा कलर आया है हमारी बिरयानी का। तो झटपट से हमारी 5 मिनट में बिरयानी बनकर रेडी है, वो भी चिकन वाली। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से बिरयानी बनाएं और इन्जॉय करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। साथ में दिए हुए बेल आइकन को आप ज़रूर से दबा दें। इन्जॉय करें। टेक केयर।